Hmm, şah, ha, 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 ha. Hmm. क्या बात है ध्रुव जी आज तो आप सुबह से ही बड़े खुश हैं तुम्हें तो मेरी खुशी भी बर्दाश्त नहीं है भूमिका आज जरा मैं खुश क्या दिखा तुमने टोक लगा दी ध्रुव जी आप बुरा क्यों मान रहे हैं मैंने तो बस पूछा ही है क्या मेरे सिर्फ इतना बोलने से ही आपकी खुशी कम हो गई नहीं सिर्फ बोलने से नहीं तुम्हारी शक्ल देखकर मेरी खुशी पर ग्रहण लगा है जब भी मैं खुश होता हूं तुम आ जाती हो अपनी शक्ल दिखाने ध्रुव जी आपका मूड खराब करने का मेरा कोई इरादा नहीं था और अगर आपको बुरा लगा तो मैं चली जाती हूं हां हां जल्दी जाओ सारा मूड बिगाड़ दिया बेचारी भूमिका दुखी सी होकर अपने पति के पास से चली आई वहीं भूमिका के जाते ही ध्रुव दोबारा गुनगुनाने लगा और खुद से ही बोला <laughs> आज तो खुशी का असली दिन है आज सचिन भैया एक महीने की ट्रिप पर जो गए हैं अब मैं आराम से संजना जी के साथ समय बिता पाऊंगा काश कि कुछ दिनों को यह भूमिका भी मेरा पीछा छोड़ देती तो कितना अच्छा होता लेकिन यह तो सोचे हुए है कि कभी मुझे चैन से तो छोड़ा ही लूंगा अब जल्दी से संजना जी के पास चला जाता हूं वो जरूर मेरा ही इंतजार कर रही होगी एक तरफ ध्रुव ऐसे सोच रहा था तो वहीं दूसरी तरफ ध्रुव जी कभी भी मुझसे खुश क्यों नहीं रहते हैं ऐसी क्या कमी है मेरे अंदर या मेरी सेवा में जो कभी भी वो मुझसे इम्प्रेस नहीं होते कोई बात नहीं भूमिका हमारी अरेंज मैरिज है शायद अभी ध्रुव जी को मेरा साथ कंफर्टेबल नहीं लगता लेकिन एक दिन वो मुझसे जरूर खुश होंगे और जब तक वो दिन आता है मैं कोशिश करती रहूंगी भूमिका ऐसे बोलकर राशन छाटने लगी कहते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है आज मैं सारा ध्रुव जी की पसंद का खाना बनाऊंगी जिससे कि वो खुश हो जाएं। ऐसे बोलकर भूमिका खाना बनाने लग गई वहीं ध्रुव अपनी पड़ोसन और साथ ही रिश्ते से अपनी भाभी के घर चला गया जहां संजना घर की सफाई कर रही थी क्यों क्या अरे डार्लिंग तुम ये सब काम क्यों कर रही हो अरे ध्रुव तुम हाँ मैं अब जब मेरी बेबी घर में अकेली है तो उसका ख्याल रखने को भी तो कोई होना चाहिए ना तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना अरे बाबा नहीं देखा अच्छा वो सब छोड़ो ये बताओ भैया चले गए क्या हाँ चले गए ग्रेट तो चलो बेबी आज कहीं घूमने चले अरे वाह अच्छा मौका है अब जल्दी से इसका फायदा उठा लेती हूँ हाँ चलते हैं पहले हम शॉपिंग करने चलेंगे और फिर एक अच्छी सी मूवी देखने जो मेरी मलिका संजना अपनी ब्लैक वाली साड़ी पहनकर चलना तुम उसमें बहुत अच्छी लगती हो ठीक है संजना ने हा कह दिया और वो तैयार हो गई तैयार होने के बाद ध्रुव संजना को लेकर घूमने निकल गए वहीं दूसरी तरफ भूमिका अपने पति को खुश करने के लिए खाना बना रही थी दरअसल भूमिका और संजना दोनों देवरानी जिठानी थी वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहती थी और ध्रुव अपनी ही भाभी संजना के ऊपर लट्टू था वो अपनी बेबी से ज्यादा संजना को वैल्यू देता था और अपनी कमाई वगैरह भी उसी के ऊपर उड़ा देता था आज भी ध्रुव ने संजना को मूवी दिखाई खूब शॉपिंग करवाई और साथ ही महंगे रेस्टोरेंट में खाना भी खाया शाम को संजना ध्रुव के साथ घर लौट आई शुक्रिया ध्रुव आज के दिन मुझे बहुत मजा आया आज का दिन बहुत ही अच्छा था हम फिर किसी दिन भी ऐसे ही घूमने निकलेंगे आपको अच्छा लगा मोहतरमा यही मेरे लिए बड़ी बात है अब अंदर क्या? कहा? अरे घर में भूमिका तुम्हारा इंतजार कर रही होगी अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए क्या बाय अरे अरे चली गई संजना ने ध्रुव के जाने से पहले ही दरवाजा बंद कर दिया ध्रुव भी अपने घर चला आया और घर आकर उसने देखा कि पूरा घर फूलों से सजा हुआ है ये सब क्या है आपका स्वागत है ये सब क्या है भूमिका और तुमने ये इतना मेकअप वगैरह ये क्यों लगाया हुआ है ऐसे ही अंदर आइए आपको भूख लगी होगी ना मैंने आज सब कुछ आपकी पसंद का ही बनाया है मुझे भूख नहीं है मैं सोने जा रहा हूँ ये क्या बात हुई ध्रुव जी मैंने आपकी वजह से सिर्फ आपके लिए इतना सारा खाना बनाया सारे घर को सजाया और अपना भी श्रृंगार किया ताकि आज आप मुझसे खुश हो जाओ लेकिन आपको मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है क्या परवाह करूं मैं तुम्हारी तुम्हारा तो नाटक दिन का ही ही लगा रहता है अरे तुम जानती हो कि मैं अमीर नहीं गरीब आदमी हूँ मेरी आमदनी ज्यादा नहीं है लेकिन तुम फिर भी रोजाना इतना खर्च करती हो मुझे खुश करने के लिए ये सब करने से अच्छा है तुम एक बार ही मेरे महीने की तनख्वाह में आग लगा दिया करो उससे तुम्हें सुकून मिल जाएगा ध्रुव ने अपनी पत्नी की भावनाओं को जरा सा भी नहीं समझा और ऐसे ही अब अल पल बग अपने कमरे में जाकर सो गया बेचारी भूमिका को उसकी इस बात पर रोना आ गया लेकिन उसे तब भी अपनी ही गलती महसूस हो रही थी ठीक ही तो बोल रहे थे ध्रुव जी गलती मेरी है मैं कुछ ज्यादा ही फजूल खर्ची करती हूँ बेचारी भूमिका ने ऐसे ही रोते हुए सारा घर समेट दिया वो अब भी ध्रुव को कुछ नहीं बोल रही थी वहीं दूसरी तरफ जिस संजना पर ध्रुव जान देता था वो संजना अपने घर में बैठी हुई खुद से ही बातें कर रही थी मजा आ गया जो चीजें मुझे सचिन जी भी नहीं दिलाते हैं वो ये ध्रुव दिला देता है इसको इसको तो मेरे लिए लिए बड़ा ही ही फायदे का साबित हो रहा है मैं ऐसी बात तुम्हें तो रखूंगी और अपना काम निकालती रहूंगी संजना ध्रुव को बस अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही थी और ध्रुव उसके पीछे लट्टू था ऐसे ही सिलसिला जारी था संजना का पति सचिन अमीर था लेकिन ध्रुव अपनी भी कमाई संजना पर ही उड़ा देता था बेचारी भूमिका को तो वो बस चंद पैसे देता था जिसमें भूमिका ध्रुव के लिए ही करने को सोचती रहती थी और कभी अपने लिए एक कत्तर भी नहीं खरीदती थी ऐसे ही सिलसिला चल रहा था ध्रुव अभी तक भी अपनी पत्नी को कोई वैल्यू न देकर धोखेबाज संजना के ही पीछे था ओलो बेबी क्या खाओगी मैं लेकर आ जाऊंगा बेबी मेरा मन तो बर्गर खाने का हो रहा है बस तो बस थोड़ा सा इंतजार करो मैं अभी पांच मिनट में तुम्हारे लिए बर्गर लाता हूँ ध्रुव घर से निकला और बर्गर लेने चला गया कुछ ही देर में वो बर्गर लेकर संजना के घर में था जिसको दोनों ने खूब गप्पे मारते हुए खाया ध्रुव और संजना की यह सच्चाई अभी तक पर्दे में थी वो ऐसे ही छुप छुप कर मिलते थे घंटों फोन पर बात करते रहते थे ऐसे सिलसिला जारी था और देखते ही देखते एक महीना भी बीत गया था आज संजना का पति सचिन घर लौटने वाला था जिसका संजना को बेसब्री से इंतजार था संजना सारे घर को उसके स्वागत के लिए सजा रही थी आज तो सचिन जी लौट आएंगे मैं बहुत खुश हूँ अब फाइनली उस ध्रुव का आना कम हो जाएगा चिपकुसा मेरे पीछे ही पड़ा रहता है लेकिन जो भी कहो उससे मुझे बहुत फायदा है अच्छा संजना भाभी तो मैं आपको चिपकू लगता हूँ संजना ने पलटकर देखा पीछे ध्रुव खड़ा हुआ था आ, 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 अरे ध्रुव बेबी तुम कब आए सोचा नहीं था संजना जी कि तुम मेरा इस तरह से फायदा उठाओगी मेरी मेरी बात तो सुनो दूर रहो मुझसे ठीक है तुम धोखेबाज हो तुम्हें मैंने सच्चे दिल से सोचा हमेशा लिए क्योंकि मैं पागल था तुम्हारे पीछे लट्टू था लेकिन तुमने बस अपने मनोरंजन के लिए अपने मजे और टाइम पास के लिए मुझे इस्तेमाल किया वाह भाभी वाह मैं तो आपके साथ वफादार था लेकिन आप तो कैरेक्टर निकली ध्रुव मुझे मुझे माफ कर दो हाँ, मुझे क्यों माफी मांग रही है मुझे तो आपने एक दिन तोड़ने को ही इस्तेमाल किया था भाभी लेकिन शुक्र है वक्त रहते मेरी आंखें खुल गई मेरे दिमाग से पट्टी हट गई अब मैं कभी आपका रास्ता नहीं देखूंगा मेरी पत्नी का दर्द आज मैं समझ रहा हूं अब मैं उसका दिल नहीं दुखाऊंगा और मैं मेरे भैया को भी नहीं तोड़ना चाहता हूं इसलिए धोखेबाज भाभी जी अलविदा आइंदा कभी मुलाकात नहीं होगी ऐसे ध्रुव बोलता हुआ चला गया संजना को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था उसने दिल ही दिल में फिर कभी ऐसा न करने की ठानी फिर क्या था ध्रुव अपने घर जाकर भूमिका से लिपट कर खूब रोया और उससे माफी भी मांगी वहीं संजना ने अपने आंसू साफ किए और अपने पति को एक मुस्कुराहट भरा चेहरा दिखाया अब संजना और ध्रुव के बीच कुछ नहीं बचा था वहीं उनके असली रिश्तों में भी कोई फूट नहीं आई थी ध्रुव अब सच्चे दिल से भूमिका की फिक्र करता था वहीं भूमिका भी ध्रुव से प्यार करती थी ऐसे ही संजना भी अब सुधर चुकी थी और अब सभी अपने अपने घर में खुश रहते थे